भागलपुर के तिलका मांझी चौक के पास कटहलबारी रोड पर पूरे बिहार और झारखंड के सबसे बड़े कपड़े के स्टोर श्री सबरंग का भव्य उद्घाटन संपन्न हो गया। आमंत्रित गणमान्य अतिथियों एवं शोरूम के ऑनर एवं उनकी माताजी के द्वारा फीता काटकर शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के साथ ही पूरे 70,000 स्क्वायर फीट में फैले इस भव्य शोरूम में ग्राहकों की भीड़ लग गई। सभी ग्राहक उद्घाटन के मौके पर मिलने वाले भारी छूट और उपहार लेने को उत्सुक दिखे। हम आपको बता दें कि श्री सबरंग में जेंट्स, लेडीज और किड्स के हर मौके पर पहने जाने वाले फॉर्मल और कैजुअल्स की भरपूर रेंज उपलब्ध है। साथ ही साथ यहां कम से कम रेंज से लेकर अधिक से अधिक मूल्य के कपड़े उपलब्ध हैं। यहां मौजूद कपड़ों की क्वालिटी भी बेहतरीन है। कपड़ों के अलावा यहाँ एसेसरीज जैसे कि जूते, बेल्ट, सूटकेस की भी पूरी रेंज उपलब्ध है। आने वाले त्योहारी सीजन और वेडिंग सीजन के लिए दूल्हे और दुल्हन के साथ साथ पूरे परिवार के लिए संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। उद्घाटन के मौके पर पहुंचे ग्राहकों ने जब शोरूम के अंदर प्रवेश किया और कपड़ों की क्वालिटी और कीमत को देखा तो वो लोग काफी खुश हुए और ऐसे शोरूम खोलने के लिए शोरूम के ऑनर को धन्यवाद दिया। उद्घाटन के मौके पर पहुंचे अतिथियों ने भी शोरूम के ऑनर को नए शोरूम के उद्घाटन के लिए बधाइयां दी। भागलपुर के लिए पहला है जो सारा चीज यहाँ पे और इनका शौक भी है, जब भी कुछ खोलते हैं तो भागलपुर के लिए वो नया होता है। ये भागलपुर के लिए बहुत अच्छा ही करेंगे, बहुत बेहतरीन। भागलपुर के लिए जो एक नया तोहफा है, इसके लिए किशोर जी को हम दिल से मुबारकबाद देते हैं और ये हम लोग के लिए बड़ा खुशी का क्षण है। जो हम लोग इंतजार कर रहे थे, दूसरे शहर जाते थे तो लगता था कि भागलपुर वैसा हो, आज वो तोहफा उन्होंने हमको दिया, उसको फिर से एक बार मुबारकबाद। आप इनसे मिली हैं? हाँ हाँ, मैं इनसे मिली हूँ और इसके लिए कपड़े भी लेने होंगे, है ना। पूजा आ रही है, ये हमारी प्यारी सी छोटी सी माता है, तो आप इनके लिए शॉपिंग करना आज ही शुरू करने वाले, राइट? बिल्कुल, आज ही शॉपिंग होगी इसकी। ईश्वर ने तो मानव को विविध रंगों से सजाया है, उसी रंगों में से हमारे भाई हैं किशोर भाई, जो कि ये सब रंग यानी सब रंगों से ये बिहार और झारखंड में ये पहला मॉल है जिसमें हर भौतिक सुविधाओं का यहाँ पर है। ये भागलपुर ही नहीं, पूरे बिहार में सबसे बड़ा और सबसे एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। किशोर घोष जो भागलपुर में बिजनेस टाइकॉन है, उन्होंने सदैव भागलपुर को कुछ ना कुछ नया देने का काम किया है। बिग शॉप हो या भव्या हो या उनका अन्य व्यवसाय हो, भागलपुर में जो सबरंग आया है, ये सबरंग नाम ही बताता है कि भागलपुर के सभी लोगों के लिए यहाँ ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है। एक फ्लोर से लेके पांच फ्लोर तक जब हम लोग घूम के देखे हैं तो हमें लग रहा है कि कोई भी कस्टमर जिसके यहाँ रोजमर्रा के कपड़ों का या अन्य चीज़ों की आवश्यकता हो या किसी के घर में शादी त्यौहार कुछ भी हो, यदि कस्टमर भागलपुर के सबरंग में आएगा तो मुझे लगता है कि उसको हर चीज यहाँ उपलब्ध है। मैं किशोर घोष जी को भागलपुर में इस नए शोरूम के लिए बहुत सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से आशा करता हूँ कि भागलपुर में भागलपुर के लोगों की पहली पसंद बने सबरंग। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जल्द से जल्द अपनी फैमिली को शॉपिंग करवाने वाले हैं दुर्गा पूजा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्माइल कर रहे हैं, कैसे लग रहा है आपको? अभी तक एक्सपीरियंस ठीक लग रहा है। अभी तक ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है बहुत अफोर्डेबल रेंज है एंड आपको मजा आ रहा है देख के। अफोर्डेबल रेंज भी है और फ्रॉम अफोर्डेबल हाई रेंज भी है, तो मतलब इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के लिए लेना चाहते हैं। एंड यहाँ पे ब्रांड्स भी हैं, सो इफ यू बिलीव इन ब्रांड्स यू कैन बाई ब्रांड्स ऑल्सो हियर। एंड अगर सामने वेडिंग सीजन आ रहा है, पूजाज आ रही हैं, तो आप सब कुछ यहाँ पे ले सकते हैं। अभी तो पूरा लुक लिया नहीं है, अभी पूरा लुक लेकर आपको बता पाएंगे, फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। सबरंग ने भागलपुर में रंग भरने का काम किया है और जिस प्रकार से भागलपुर स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी में किशोर भाई ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने इतना बड़ा जो एक सबरंग के जरिए भागलपुर वासियों को जो तोहफा दिया है, एक छत के नीचे हर एक रेंज में, अभी वही देख रही थी, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही खूबसूरत है, इसका आउटलुक भी बहुत अच्छा है और इसके अंदर जो कपड़े हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और वेराइटीज़ भी बहुत हैं। तो मैं अपनी ओर से किशोर घोष जी, डॉली घोष जी को बहुत मैं बधाई देती हूँ और भागलपुर में मुझे लगता है कि पूरे बिहार में इतना अच्छा कोई, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। As I can see, you're very stylish. So, आप क्या खोज रहे हो यहाँ पे? Brands, obviously. Brands मुझे पसंद है, मुझे ब्रांड्स पहनना अच्छा लगता है, तो और यहाँ काफ़ी नए नए ब्रांड्स भी है जो कि भागलपुर में पहली बार आए, रेयर रैबिट है, बींग ह्यूमन है, जैक एंड जोन्स है, right. तो अच्छा लग रहा है। शॉपिंग तो ये पहले तो हम देखने आए कि क्या चीज़ खुला है यहाँ पर,
और भागलपुर में पहला है, और जो इसको खोलने वाले ऑनर हैं उनको भागलपुर में इंट्रोड्यूस मैंने ही किया है। इनका पहला जो बिग शॉप है मेरे ही भूखंड पर है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे स्थान पर जो पौधा लगा वो खिल बड़ा वट वृक्ष हो गया आज, और ये वट वृक्ष आज पूरे शहर को रोशनी दे रहा है और एक अच्छा आउटलेट है जहाँ पर हर तरह हर वर्ग के लोगों का यहाँ पर मार्केटिंग होगा और सब लोग यहाँ पर संतुष्ट होंगे, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का जो सजावटी है और जो निखार है वो काफ़ी शानदार है, और लगता है कि भागलपुर में ये भागलपुर के मतलब मेन जगह के भागलपुर के लगता है कि सबसे खूबसूरत में से सबसे खूबसूरत मॉल में से एक है सबरंग मॉल। और यहाँ पे विधि व्यवस्था भी कस्टमर के लिए काफ़ी अच्छा किया गया है, बाकी यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग का भी व्यवस्था ठीक है, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो एक भीड़ भाड़ नहीं है, और एकदम दूर दूर में मतलब हर चीज़ मतलब का एक सेपरेट अलग है, हर ब्रांड का अलग अलग जगह है, ताकि कोई भी कस्टमर को खरीदने में भी काफ़ी आसानी होगा। सबरंग स्टोर के ऑनर किशोर घोष ने बताया कि यहाँ पूरे बाजार से सबसे सस्ते दाम और बेहतरीन क्वालिटी में कपड़े मिलेंगे। ग्राहक सबरंग में आधुनिक फैशन के साथ साथ बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि शोरूम में सबसे खासियत है कि शोरूम में खुद की पार्किंग है, जिससे ग्राहकों को भीड़ भरे बाजार में जाकर शॉपिंग करने की जो परेशानी होती है उससे अब जूझना नहीं पड़ेगा। यहाँ आराम से अपने वाहनों को लगाकर इत्मीनान से शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए यहाँ 15 बिलिंग काउंटर भी बनाए गए हैं, ताकि शॉपिंग करने के बाद बिलिंग करवाने में जो देर होती है उससे बचा जा सके। ग्राहकों की सुविधा के लिए हर समय यहाँ 400 कर्मचारी मौजूद रहेंगे। जनता को यही कहेंगे कि एक बार जरूर आइए और इस कॉन्सेप्ट को देखिए कि कम रेंज से अधिक रेंज एक ही इतना स्मार्ट दुकान और इतना सुंदर दुकान में आपको 100 रुपये का भी सामान किस तरह से रख करके हम लोग बेच रहे हैं, और प्राइस के मामले में मार्केट से कम है, और बिहार झारखंड का ही सबसे बड़ा शॉप है, और 15 बिलिंग काउंटर लगाए हैं, किसी को दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था पूरा है, बाहर भी और अंदर भी हमने पार्किंग का व्यवस्था दिया है। एक बार जरूर आइए और सारे रेंज को देखिए कि हमने क्या इस तरह से सजाया है। सबरंग कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे पहुँच सकते हैं यहाँ पे? ये एकदम आसान सा एड्रेस है, तिलका मांझी से आगे बढ़ेंगे वो सबरंग मिल जाएगा। आप हम बहुत खुश हैं और ये भी बहुत खुश है। तो घर की लक्ष्मी तो आप ही हैं तो आपके द्वारा ही सारे सपने पूरे हो रहे हैं, और आप हमारी भागलपुर की जनता को कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, उनको जनता को पूरा कलेक्शन मिलेगा यहाँ, कम रेंज हाई रेंज सब मिलेगा, उस सबके मनपसंद कपड़ा मिलेगा यहाँ। सबरंग भागलपुर बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर, ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है, हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में, नियर होटल चिन्मय, कटहलबारी रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। साहब मुझे कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती, मांग करते हैं तो कॉलेज प्रशासन फटकार लगा देते हैं, हम लोगों को कई बार प्रताड़ित किया जाता है, हम लोग दूर दूर से आते हैं लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, परीक्षा कब होना है इसका कोई अता पता नहीं चलता, ना तो कॉलेज परिसर में नोटिस चिपकाई जाती है ना ही बताया जाता है।
यह बातें सुंदरवती महिला कॉलेज की छात्रा साक्षी ने एसडीएम धनंजय कुमार को कहा। कॉलेज की अव्यवस्था को लेकर छात्रा उग्र हो गई और एसएम कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि जगह कम होने की वजह से एक विषय का एग्जाम लिया गया और आगे स्थगित कर दिया गया है, जिसकी सूचना भी कॉलेज परिसर में चिपका दी गई है। लेकिन छात्रा की मांग थी कि हम लोग दूर से आते हैं, अगर कॉलेज परिसर में हम लोगों के लिए जगह नहीं है तो हम लोगों को क्यों बुलाया जाता। कॉलेज के टाइम पे एग्जाम नहीं आता है, पहले हम लोग सुबह गए थे तो बोला गया 9:30 बजे गए थे तो बोला गया था क्या 1:30 बजे एग्जाम होगा, 1:30 बजे जब गए तो बोला गया 2:00 बजे एग्जाम होगा, 2:30 बजे एग्जाम होगा, 2:30 बजे गए तो ऐसे बोलता होता है ना कि बोले कि हाँ तुम लोग का एग्जाम नहीं होगा, भागो तुम लोग यहाँ से, तुम लोग का एग्जाम नहीं होगा, ऐसे बोला गया है। क्या क्या कुछ सुविधाएं वगैरह वहाँ पर आप लोगों को कुछ मिली? 11, 12 दोनों का क्लास था, दोनों का एग्जाम था, दोनों को मिला के बैठा गया, इतना स्टूडेंट था कि आप पूछ नहीं सकते। लगभग कितने छात्रों की संख्या होगी एक क्लास में? 1000 से कम नहीं होगा। कौन कौन से क्लास के स्टूडेंट का एग्जाम शुरू में हो रहा था? और एक बेंच पे एग्जाम होता है, कभी एक पे दो बैठाया जाता है, जानते हैं, एक पे 4-5 ये कौन सा रूल है? कुछ छात्राओं के बेहोश होने की बात सामने आ रही है। बेहोश हुई है, दो लड़की बेहोश हुई है, एक तो उसका पूरा हालत खराब है, उसको दिक्कत ना क्या एडमिट है, लेकिन टीचर उसको देखने के लिए नहीं आए, पूछने के लिए नहीं आए। प्रिंसिपल का इस पर क्या कहना है? प्रिंसिपल कुछ नहीं बोले, प्रिंसिपल वहाँ से देख के बोल रहे हैं, प्रिंसिपल तो आए नहीं, बोले आए तो देखने के लिए तक नहीं आए। आता है और कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सुबह से हम लोग 9 बजे से बैठे हुए हैं एसएम कॉलेज में और बोला जा रहा एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग। उन्होंने कहा कि के पाठक ने फरमान जारी कर हम लोगों से 75% अटेंडेंस मांगी है, लेकिन जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को कॉलेज कैंपस में बैठना पड़ता है, सड़कों पर घूमना पड़ता है। सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित छात्रा डीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर छात्रा ने एसएम कॉलेज की अव्यवस्था को डीएम के सामने रखा। डीएम से मिलने के बाद मौके पर एसडीएम धनंजय कुमार छात्र से मिलने पहुंचे, छात्रा की समस्या को सुना, फिर एसडीएम साहब खुद एसएम कॉलेज पहुंच गए और वहां पर प्रिंसिपल से पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। कई छात्राओं ने एसडीएम धनंजय कुमार के वाहन पर भी हमला कर दिया। कॉलेज कैंपस में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर 3 घंटे तक छात्राएं हंगामा करती दिखी। इधर हंगामा की सूचना मिलने पर जाप के छात्र नेता दर्जनों की संख्या में पहुंचे और कॉलेज की अव्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रिंसिपल से मिला, उन्होंने कहा जगह कम होने की वजह से परीक्षा को स्थगित किया गया है। छात्र नेता ने बिहार सरकार से शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब के पाठक की तरफ से फरमान जारी किया जाता है कि 75% अटेंडेंस जरूरी है तो यह भी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है कि उनको बैठने की जगह दी जाए। वहीं एसडीएम धनंजय कुमार ने कहा कि हमने पूरी घटनाक्रम की जानकारी कॉलेज प्रशासन से ली है। कॉलेज में जगह कम होने की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र आक्रोशित हो गए। हम लोगों ने मिलकर छात्रा से बातचीत की, फिलहाल छात्राएं मान गई हैं, कॉलेज प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाई जाएगी कि आगे परीक्षा कब होनी है, हम लोग इसको देख रहे हैं। व्यवस्था नहीं और जो सीटिंग अरेंजमेंट एक जनरल प्रोसीजर होता है एग्जाम का वो नहीं था, जिसके कारण कुछ मतलब इंफॉर्मेशन की कमी हुई। फिर बाद में कॉलेज प्रशासन के द्वारा बताया गया कि 28 के बाद एग्जाम होगा, वो भी मौखिक बताया गया। तो अभी क्या चीज़ें हैं वो हम लोग एक बार प्रिंसिपल साहब से बात करनी थी। बच्ची बेहोश होने की बात सामने आ रही है। हाँ, ये बच्चे बता तो नहीं, यही बोल रहा हूँ मैं, एक बार मैं प्रिंसिपल साहब से बात करके ये चीज़ें हैं। सर बराबर लगभग दिखा जा रहा है कि बच्चियाँ जो है उसमें भी बच्चे जो है ऊपर एक ढंग से देखेगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से जो शिक्षा के कुछ सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं उसका भी एक इम्पैक्ट है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, बच्चे भी जागरूक हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मामला था इंटरमीडिएट 11-12 की मंथली एग्जाम के लिए, मंथली एग्जाम एक बैच कल शेड्यूल आया, हम लोग आज से एग्जाम कराने के लिए एक बैच 1500 विद्यार्थी यहाँ पर आ गए और हमारे पास उतना सफिशियंट जगह नहीं है। अभी यहाँ पर पार्ट टू और पार्ट थ्री की एग्जाम चल रही है, इवेल्युएशन पूरे 252 टीचर यहाँ पर इवेल्युएशन कर रहे हैं, पूरा जगह की कमी थी। हम लोगों ने फिजिक्स का एलेवन का परीक्षा ली, उसके बाद छात्रों ने हंगामा कर दिया, उसका सेकेंड सीटिंग के पहले ही वो लोग इतना हंगामा कर दिया जिससे कि वह बेकाबू हो गया।
जिससे कि हम लोग सफिशियंट जगह नहीं रहने के कारण हम लोग ने 29 तारीख तक 28 तारीख तक स्थगित किया परीक्षा, 29 तारीख से परीक्षा हम लोग 29 के बाद हाँ अभी सटा गया नहीं नोटिस बहुत पहले चिपका है एसडीएम के पहले नहीं तो हम कैसे जानते हैं जब लड़की लोग 2:30 बजे यहाँ पर तबियत खराब हुआ लड़की का गई तब 2:30 बजे के बाद हम लोग को पता चला कि मैंने एग्जाम देने में ये लोग असमर्थ है बैठने की जगह नहीं है। अच्छा तब ना हम नोटिस किए छात्रा का सर आरोप था कि कहीं भी कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है हम हर छात्राओं से हर छात्रा को लिखित लेते हैं और 3 दिन के अंदर में उसका सोल्यूशन करते हैं। ये जब से मैंने बना है यहाँ पर कोई छात्र का चाहे छात्रावास हो चाहे कोई लड़की हो स्कूलों का एकदम फ्री है कि कोई लड़की आकर हमसे बात कर ले और हम उसका सोल्यूशन तुरंत करते हैं चाहे वो क्लास की हो भले क्लास में सफिशियंट लड़की लोग आती 3,500 लड़की आती नहीं है आज एग्जाम के दिन आ गई है तो यही कहा गया कि परीक्षा जब हम क्लास ले रहे हैं तो क्लास में नाम काट दिया जाएगा क्या आज परीक्षा आज एक पेपर वही तो कहे फिजिक्स की परीक्षा हुई बाकी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया जगह को देखते हुए 29 से हम लोग परीक्षा शेड्यूल जारी कर रहे हैं परीक्षा जगह नहीं है क्या है क्या सब हमारे हम हमें हमारे यहाँ नहीं हमारे यहाँ आए थे बहुत लोग इंस्पेक्शन में तो देखे कि लड़की मैंने ज़्यादा हो जाती है क्लासरूम कम हो जाता है इसके लिए हम लोग का अब हम लिख कर दिए हैं बेंच टेबल अधिक लाने के लिए और उसके बाद हम लोग क्लासरूम करेंगे। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत सुबह सुबह उस समय पूरा कीर्तनिया पंचायत के साथ साथ कई पंचायतों में आक्रोश देखने को मिला जब ग्रामीणों को पता चला कि पकड़िया लाला टोला स्थित काली मंदिर जहां सैकड़ों वर्षों से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उस जमीन को बेच दिया गया। देखते ही देखते पूरा गांव उस मैदान में इकट्ठा हो गया जब उन लोगों को पता चला कि सैकड़ों वर्षों से पूजा हो रहे पूरा मंदिर परिसर को ही बेच दिया गया। उस मामले को लेकर वहां के लोग आक्रोशित हो गए। गौरतलब है कि पूर्व में पकड़िया काली मंदिर लाला टोले स्थित लाल परिवार के द्वारा उनके पूर्वजों के द्वारा लोगों को पूजा करने के लिए छोड़ दिया गया था। उस जगह पर हर साल प्रवचन मेला नाट्यकला एवं कई प्रकार के प्रोग्राम सालों भर होते रहते हैं। इसके साथ ही उस मेला के लिए लाइसेंस भी निर्गत होता है और पीरपैती प्रखंड के काली मेला में पकड़िया कला धकड़िया काली मेला भी बहुत नामी है। इसको लेकर प्रदेश मुखिया संघ के उपाध्यक्ष पूर्व मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि झुम्पा सिंह पंचायत समिति सदस्य सुधीर पांडे एवं सरपंच पति बड़कू मिश्रा के अलावे सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर अंचल अधिकारी पीरपैती के नाम से एक आवेदन लिखा गया साथ ही साथ उसकी प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी एवं राजस्व मंत्री बिहार सरकार को भी प्रेषित की गई जिसमें बताया गया कि यह जमीन हम लोगों के पास सैकड़ों वर्षों से है जिस पर हर साल मेले का लाइसेंस मिलता है इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा जिससे हिंदू धर्म के आस्था पर चोट ना पहुंचे। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं प्रखंड के मुखिया ने कहा कि अगर जमीन मालिक को इस जमीन का पैसा चाहिए तो हम गांव वाले चंदा इकट्ठा कर उन्हें पैसा दे देंगे लेकिन यह मंदिर परिसर बरकरार रहे यही गाँव वालों की भी इच्छा है। जो ने सैकड़ों वर्ष पूर्व जो आपको दे यहाँ मंदिर के लिए दे चुका है उसको आप इसमें छेड़छाड़ नहीं करें। आज हजारों की संख्या में आप दिखा रहा हूँ मैं आपको अंचलाधिकारी पीरपैती के नाम से ये पब्लिक पिटीशन बना है जिसमें लिखा गया है कि सैकड़ों वर्ष से ये हम ग्रामीणों के पास ये मंदिर परिसर है और इस पर तरह तरह का नाट्य कला प्रवचन और तरह तरह का सालों भर प्रोग्राम होते रहता है इसमें लोगों का भावना जुड़ा हुआ है। पूरा मैं सभी से अपील करूंगा जितने भी जिस इस परिवार का जमीन है कि आप सब जमीन बेचिए हम लोग कॉपरेट करेंगे जिसको देना है दीजिए उसमें हम लोग किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। आपसे क्रमबद्ध निवेदन होगा हाथ जोड़कर प्रार्थना होगा कि आप इस जमीन को छेड़छाड़ मंदिर के लिए नहीं करें। आपको बहुत सारा धन है आपको बहुत लोग दिया है माँ काली और देगी इससे लोग को भावना जुड़ा हुआ है और इससे आप छेड़छाड़ न करें नहीं तो हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं चाहे जिस तरह का लड़ाई लड़ना हो तैयार नहीं है क्योंकि माँ काली का ये मंदिर नहीं है लोगों का भावना जुड़ा हुआ है। कीर्तनिया पंचायत हो सलेमपुर पंचायत हो परसवन्ना पंचायत हो अगल बगल पीरपैंती के लोग आते हैं मिर्जा चौकी झारखंड के लोग आते हैं तो लोग का भावना जुटा हुआ है तो हम ये कहेंगे आप भी उस इसी जगह से आप भी पले बढ़े आपके परिवार पले बढ़े हैं इसलिए इसको छेड़छाड़ न करें और हमारी भावना को ठेस न पहुँचाएं
मैं पुनः उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप हमें स्वेच्छा से दें। अगर कुछ आपको जरूरत ही है कि हाँ हम लोग मेला कमेटी से लेंगे, तो हम लोग ग्रामीणों से चंदा करके आपको पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। ये जमीन जिनका भी हो, इनके पूर्वज व्यक्तिगत रूप से, मतलब यानी ये लोग कह दिए थे कि इतना सा जो ये जो परती वाला ये जमीन है, ये पूरा काली माता को हम लोग दान में देते हैं, और ये जब तक मेला लगता है इनके यहाँ, मतलब ये काली माता की ही संपत्ति होगी। लेकिन पिछले दिनों ये सुनने में आ रहा है कि जो उनके जो उत्तराधिकारी वगैरह जो लोग हैं, वो किसी अन्य आदमी को ये जमीन धन के लोभ में बेच रहे हैं, अब जिससे कि पूरा हमारा व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगा। तो समाज ये चीज है, मेला लगता है बहुत सैकड़ों वर्षों से। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल में नौवीं की छात्रा के साथ विद्यालय के दो शिक्षकों द्वारा किए गए छेड़छाड़ के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज दर्जनों विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रसाल के सामने काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने एवं दोषियों और दोषियों को संरक्षण करने वाले प्रचार पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते दिखे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेंट जोसेफ स्कूल के प्रचार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, यह प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। आगे हस्ताक्षर अभियान को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन तक जारी रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपनी बाहों में काली पट्टी लगाकर यह विरोध प्रदर्शन जताया। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूर्व से ही तीन दिनों से चार दिनों से लगातार ये हमारा आंदोलन चल रहा। आज हम लोग काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सेंट जोसेफ की घटना है वो सभी के नजर में है। किस प्रकार से दो शिक्षक भक्षक के रूप में छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उसको संरक्षण देते हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुआ है। विद्यार्थी परिषद ने मांग भी किया है जल्द से जल्द प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से हटाकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए एवं जांच कमेटी बैठाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी तक कोई जो है प्रशासन का उस ओर ध्यान नहीं है। इसको लेकर विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है। आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से समाज के बीच जाकर न्याय यात्रा की तैयारी करेगी और न्याय के लिए समाज के पास जाकर हर एक चौक चौराहे पर जाकर न्याय मांगेंगे। 30 मई को हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबिया काली रोड के पास जमीन कारोबारी राकेश सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसी संबंध में हबीबपुर थाना में केस दर्ज किया गया था। इस कांड में गौतम कृष्णा और मोहम्मद टार्जन के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। वहीं आज भागलपुर के SSP आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली कि मोहम्मद सहनसा अवैध हथियार के साथ मोज्जम चक में घूम रहा है, जिसको लेकर SSP ने CT DSP की निगरानी में एक टीम गठित की और छापेमारी के दौरान मोहम्मद सहनसा अंसारी को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद सहनसा ने राकेश हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर CT DSP अजय कुमार चौधरी निधि साथ ने बताया कि इस आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। दिनांक 30/5/23 को संध्या में धोबिया काली रोड पे राकेश सिंह जो एक जमीन प्लॉटर है उसकी हत्या कर दी गई थी गोली मार के। इस संबंध में 75/23 कांड संख्या दर्ज किया गया था और दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक टार्जन की जो मेन शूटर है टार्जन, उसकी गिरफ्तारी की गई थी और घटना के दिन ही गौतम कृष्णा की भी गिरफ्तारी की गई थी जो नामजद अभियुक्त है। और बाकी जो शूटर्स हैं और बाकी जो नामजद अभियुक्त है उसकी लगातार गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। कल दिनांक 24 सितंबर को ये सूचना मिली कि एक और शूटर जो शूटर के साथ था मोहम्मद सहनसा, इसकी सूचना गुप्त सूचना मिली थी। तो SP सर के निर्देशन पे एक टीम बनाई गई, थोड़ी टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष हबीबपुर कृपा सागर जी कर रहे थे। साथ में DI टीम के प्रमोद साहब भी हैं और प्रभाकर सब इंस्पेक्टर हैं और DI की टीम थी। इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद सहनसा को मुअज्जम चौक हबीबपुर थाना क्षेत्र से अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसके द्वारा इस घटना में अपनी संलिप्तता को भी स्वीकार किया गया है। जो हथियार बरामद हुआ है उसके लिए अलग से कांड दर्ज किया गया है और जो गिरफ्तारी हुई है इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हत्या का कारण पूर्व में भी उल्लेख किया जा चुका है,
ये जमीन का मामला था, इसमें जमीन का जो कुछ बकाया था, जमीन की बिक्री हुई थी उस बकाए राशि को लेकर विवाद था, जिसमें जो कुणाल सिंह है उसके साथ सद्दाम रहता है, उसके माध्यम से इसका एक डील हुआ था। उस डील में लोगों को पैसे देने की बात हुई थी, जो पूर्व में भी इसका पूरा विस्तृत जानकारी आप लोगों को दिया गया है। सद्दाम इनके द्वारा जो भी गिरफ्तारी हुई है उसमें भी इस बात का सपोर्ट किया गया कि हाँ 5 लाख देकर के बुलाया गया था कि 5 लाख उसको दिया जाएगा राकेश को, और इस तरह से बुला करके सब लोग के द्वारा मिलकर इसका। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय टापू बन गया है, जहां एक तरफ पीजी बॉयज हॉस्टल में विद्यार्थी पानी निकासी को लेकर परेशान दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टीएनबी कॉलेज के पश्चिमी गेट पर छात्र छात्राओं को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़क नाले में तब्दील हो गए हैं, सड़कों पर नाले का पानी बह रहा है, वहीं विद्यार्थी पानी निकासी का स्थायी समाधान नहीं होने को लेकर आक्रोशित दिखे। इनका कहना है कि बार बार बारिश के बाद उन लोगों को कॉलेज आने जाने में परेशानियां होती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कोई स्थायी समाधान नहीं करती। हम लोगों की मांगे हैं, जहां भी विश्वविद्यालय में जल जमाव हो रहा है, चाहे वो पीजी का बॉयज हॉस्टल हो, विश्वविद्यालय का मैदान हो, या फिर टीएनबी कॉलेज का पश्चिमी गेट हो, उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, वरना आंदोलन होगा। आज छात्रों को आने जाने में काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। छात्र एक तरफ से दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के बाउंड्री वाल पर चढ़कर पार हो रहे थे। इस तरह से आने जाने में छात्रों के साथ कभी भी दुर्घटनाएं घट सकती है, इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है। एक तरफ जहां भागलपुर को सिल्क नगरी के नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर में सिल्क व्यवसाय करने वाले बुनकर काफी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। इसका कारण बाजार में सिल्क सूत के दाम में काफी उछाल हो जाना है। वहीं जहां भागलपुर रेशमी और खादी कपड़ों का जितना उत्पादन करती थी, अब उससे कहीं ज्यादा बंगाल के लोग इसका उत्पादन कर रहे हैं। वहीं रेशमी और खादी कपड़े बंगाल बाजार में फल फूल रहे हैं और भागलपुर के बुनकर इससे परेशान है। इसको लेकर आज भागलपुर जिले के खादी संस्थान के द्वारा खादी संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग के सदस्य मनोज कुमार सिंह पहुंचे और यहां के खादी और रेशमी कपड़ों के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि भागलपुर की पहचान रेशमी शहर से है, उसे धूमिल न होने दे, इसके लिए अथक प्रयास किया जाएगा। चाहे निफ्ट के छात्रों की मदद लेनी हो या फिर कई ऐसे संस्थान हैं जो कपड़ों की डिजाइनिंग करता हो, उससे मदद ली जाए, साथ बुनकरों को सरकारी सहयोग दिलाया जाए, जिससे भागलपुर में फिर से रेशमी कपड़े और खादी उद्योग बहाल हो सके। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों बुनकर खादी संस्थान के दुकानदार व दुकान प्रबंधक मौजूद थे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लिखते हैं, सुनाते हैं कि भागलपुर सिल्क नगरी है और खादी ग्राम उद्योग आयोग का कार्य ही खादी का विस्तार है, सिल्क का विस्तार है। तो इस नाते रूटीन वे में हमारे जिन जिन क्षेत्रों में सघन कार्य हैं बिहार में, तो उसमें एक क्षेत्र भागलपुर भी है, और भागलपुर बहुत पुराने समय से सिल्क मैप पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया में मशहूर रहा है। तो इस नाते इस ज़िले में खादी से जुड़ी जो हमारी संस्थाएँ हैं, उनके कार्य क्या चल रहे हैं, उनको और किस प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता है, किस किस प्रकार की परेशानियां हैं, आयोग उसमें क्या मदद कर सकता है, और आयोग और संस्था मिलकर इस सिल्क नगरी के पुराने वैभव को हम फिर से आगे ले जाएं, इस संदर्भ में आज खादी संस्थाओं के साथ एक संवाद के नाते हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मुख्य रूप से यह एक तरह से खादी संस्था के साथ संवाद है। हमारे साथ हमारे निदेशक भी आए हैं, सह निदेशक भी आए हैं, और मुख्य उद्देश्य यही है कि खादी का सिल्क का विकास कैसे हो, उस नाते आज की यह बैठक यहाँ रखी गई। खादी ग्राम में जाने वाला है, इसको लेकर के कुछ नहीं, मैंने शुरू में ही बताया। समझ गए सर, भागलपुर के लिए अभी जैसे हम लोगों ने मार्केटिंग सपोर्ट के साथ साथ डिजाइनिंग सपोर्ट के लिए निफ्ट के साथ राष्ट्रीय स्तर पे एक MOU साइन किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाते। तो आज हम यहाँ की संस्थाओं से भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी संस्था उस निफ्ट के साथ जुड़ के अपने डिजाइनिंग को, अपने कलरिंग को, आपके चीज़ों को
वर्तमान समय में जो डिमांड है उसके अनुसार बना सकें। तो एक तो सीओई के बारे में चर्चा करके उसके साथ जुड़ने और अपने को इन्हांस करने का है। दूसरा विषय है कि हम पीछे भी जा रहे हैं और सरकार की सुविधाओं का हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जैसे मुख्य रूप से खादी ग्राम उद्योग आयोग, आप सब लोग जानते होंगे कि उत्पादन पर इंसेंटिव देती है, और ये उत्पादन बेस्ड जो इंसेंटिव है उसमें हम संस्थाओं को उत्पादन करने के बाद जो हमारे पास पेपर्स आते हैं उस आधार पे उनको हम देते हैं। तो न केवल संस्थाओं को लाभ होता है बल्कि कतिन बुनकर और उनके कार्यालयों में, उनके भंडार में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इंसेंटिव मिलता है। तो उस संदर्भ में भी आज एक बार बात करेंगे, और अगर लगता है कि यहाँ से एक रास्ता खुले तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की संस्थाओं को भारत सरकार जो MMDA के माध्यम से अनुदान देती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के और उसको भी हम इन्हांस करें, तो उनके फाइनेंशियल स्थिति कैसे हो सकती है। फिर आर्टिजन्स इनके यहाँ काम करते हैं, उन आर्टिजन्स को घर में अगर काम करना चाहें तो वर्क प्लेस कैसे हो सके, इसके लिए वर्क सेड योजना भी हम है, कुछ संस्थाएं अगर उनके आर्टिजन्स के लिए चाहेंगे तो इस बार इंडिविजुअल वर्क सेड योजना के बारे में भी कुछ। कितने कितने का है वर्क सेड? वर्क सेड योजना कितने की है? एक लाख बीस हजार हितग्राही का इंडिविजुअल एक वर्क सेड का जो होता है उसमें, मैंने एक ऐसा जगह जहां लूम लगा के वो काम कर सके। दो तीन बिंदु है सर, जो कहीं ना कहीं ये है कि अगर धागे की कमी, कोकुन की कमी, कोकुन उत्पादन यहाँ हो नहीं रहा, झारखंड पर हम निर्भर हैं, छत्तीसगढ़ पर निर्भर हैं, और यहाँ जो कोकुन बैंक था जो स्थापना करना था वो नहीं हुआ, और यहाँ पे रेशम भवन में वहाँ पे जो भंडारण केंद्र था, कोकुन भंडारण केंद्र, वो यहाँ से ट्रांसफर होकर चला गया मधुपुर। तो बुनकरों को कोकुन नहीं मिल पा रहा है, धागा नहीं मिल पा रहा है, बिचौलियों के चुंगुल में फंसा हुआ है, महाजन रेट बढ़ाता है, जब उसको ऑर्डर आता है उसके हिसाब से रेट बढ़ाता है। तो इस पर क्या कहना चाहें? नहीं, इस पर कहना नहीं है, इस पर करना है। और सेरिकल्चर बोर्ड को तो हम केवल आग्रह कर सकते हैं, लेकिन खादी कमीशन के नाते अभी पिछली बैठक में ही हम लोगों ने निर्णय लिया है, जो कोकुन बैंक खादी कमीशन संस्थाओं के माध्यम से चलाती थी, जो झारखंड के चाईबासा में था और यहाँ एक उसका भंडार था, तो उस कोकुन बैंक पे नीतिगत सहमति कमीशन ने दे दी है, उसका फंड एलोकेशन भी एक दो बैठक के अंदर हो जाएगा, और कमीशन का जब फंड एलोकेशन हो जाएगा तो फिर हम उस व्यवस्था को, मुझे लगता है कि आप सब लोग जानते हैं सरकारी प्रक्रिया में, लेकिन एक बार अगर कमीशन डिसीजन हो गया है तो कोकुन बैंक को हम रिस्टोर करने जा रहे हैं, और ये ताकि भागलपुर और झारखंड, ये जो भगैया और बाकी रेंज है, इसके समस्या को, चूँकि उसमें खादी की संस्थाएं ही ऑपरेट करेगी और खादी कमीशन, तो अगर अच्छा करेंगे तो खादी संस्थान, न करेंगे तो फिर, लेकिन हम अपनी ओर से उसको पहल करके उसको फिर से रिस्टोर करने का कमीशन में निर्णय ले चुके हैं, और उसके फंड की भी व्यवस्था हो चुकी है, ऑपरेटिव पार्ट पर बन रहे हैं। तो मुझे लगता है 2-3-4 महीना जाते जाते ये कोकुन बैंक एग्जिस्टेंस में आ जाए। दूसरा, अगर माल तैयार, स्थिति सही नहीं है सर, उसको लेके सर कुछ, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिल्क नगरी है, लेकिन पूरी दुनिया में अपनी सिल्क की ख्याति बिखेरने वाली भागलपुर, अपने आसपास ही देखें तो बंगाल का मुर्शिदाबाद था, इस क्षेत्र में भागलपुर था, मुर्शिदाबाद आज इस क्षेत्र से कई कदम आगे है। अब कारण क्या है नहीं है वो एक विवेचना का विषय है। तो हम लोग आसपास से सीख भी सकते हैं, वहाँ भी खादी कमीशन के साथ संस्थाएं काम कर रही है, यहाँ भी खादी कमीशन के साथ संस्थाएं काम कर रही है, एक ही रूल रेगुलेशन है, एक ही छत के नीचे हैं, तो इस नाते हम लोग यहाँ और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इस गति को बढ़ा सकते हैं, उनका कुछ तकनीकी इन्हांस करके हो सकता है, कुछ मार्केटिंग सपोर्ट करके हो सकता है, कुछ डिजाइनिंग के संदर्भ में हो सकता है, तो इसी संदर्भ में चर्चा करने, और कुछ जो नई खादी संस्थाएँ आई हैं तो नई खादी संस्थाएं कैसे खादी और उसमें आगे